नागपुर में आयोजित कथा को लेकर बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में आ गए। उनके ऊपर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे और ना ही वो कोई चमत्कारी बाबा है। वो एक मामूली इंसान ही है जो बालाजी के सेवक है। बीते कुछ समय से बागेश्वर के महाराज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। पूरे देश में उनके लाखों भक्त हैं जो धाम में पेशी करने के लिए पहुंचते हैं। यही नहीं, आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े नेता भी बाबा के आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन बढ़ती प्रसिद्धि के साथ विवादों से रिश्ता भी गहरा होता जा रहा है। कभी अपने बयानों को लेकर तो अब चमत्कार को लेकर बाबा घिर गए हैं। अब इस सबके बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है, उनका अब तक का सफर कैसा रहा, उनका बचपन कैसा बीता, उनके घर परिवार के बारे में सब कुछ। तो चलिए आज आपको बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सब कुछ। राम कथा की वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में मशहूर हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ है। बचपन बेहद गरीबी में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी भोजन का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। इसका जिक्र खुद उन्होंने कई बार अपनी कथाओं में किया है। उनका कहना था कि पिताजी को मिले दान दक्षिणा से ही हमारा घर चलता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे पिताजी हमें पढ़ाई के लिए वृंदावन नहीं भेज पाए थे क्योंकि उनके पास 1,000 रुपए नहीं थे। बागेश्वर धाम महाराज के पिता का नाम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग है। एक छोटा भाई और एक बहन भी है। इनके दादा भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे। वो निर्मोही अखाड़े से भी जुड़े हुए थे। बताया जाता है कि वो दरबार लगाते थे और उन्होंने ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शुरुआती धार्मिक ज्ञान दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार गांव में पंडिताई कर भरण पोषण करता था। परिवार में बंटवारे के बाद यजमान भी बट गए थे। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के सामने आर्थिक चुनौती ज्यादा आ गई थी। तब इनकी मां सरोज गर्ग गांव में भैंस का दूध बेचने लगी और उससे होने वाली कमाई से परिवार का खर्च चलने लगा। अब ये भी जान लीजिए कि आज देश विदेश में प्रख्यात हो चुका बागेश्वर धाम आखिर बना कैसे। तो आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग गांव में धीरू के नाम से बुलाते हैं। कथा वाचन के दौरान ही वे गड़ा गांव स्थित शंकर भगवान के प्राचीन मंदिर को उन्होंने अपना स्थान बनाया। इसे धीरे धीरे बागेश्वर मंदिर के नाम से इलाके में जाना जाने लगा। 2016 में गांव के लोगों की मदद से यहां विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के दौरान ही बालाजी की विशाल प्रतिमा यहां स्थापित की गई। इसके बाद से यह स्थान बागेश्वर धाम हो गया। साथ ही कहा जाता है कि इनके दादा की समाधि भी यहाँ है। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे इनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इसके बाद भारी संख्या में भक्त पहुँचने लगे। अब ये जगह बागेश्वर धाम के नाम से लोगों के बीच जाने जाने लगी। धाम की प्रसिद्धि के साथ साथ बाबा का ग्राफ काफी बड़ा और उनके अनुयायी सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी बनने लगे। बागेश्वर धाम महाराज कथित तौर पर यह दावा करते हैं कि वे लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो भी वायरल हैं। बाबा अपने दिव्य दरबार में आने वाले लोगों के मन की बात पर्चे पर लिख देते हैं। इसे लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं, लेकिन बाबा इन आरोपों को खारिज करते हैं। बागेश्वर धाम में मंगलवार को बहुत भीड़ उमड़ती है। इस दिन लोग धाम में अर्जी लगाने आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। वहीं आवाज उठाने वालों को बागेश्वर धाम महाराज हिंदू धर्म का विरोधी बता देते हैं। वे मीडिया के साथ साथ नेताओं से भी भिड़ते रहते हैं। अब इतने विवादों में आने के बाद लोग उनकी नेटवर्थ के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। खबरों के मुताबिक उनकी हर महीने की कमाई करीब 3.5 लाख रुपए तक है। वे रोजाना करीब 8,000 रुपए कमाते हैं। सोशल मीडिया से भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो ये था बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में सब कुछ। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारियों को जानने के लिए वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।